तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ प्रोडक्ट्स के कुछ गंदे इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जिन इंग्रेडिएंट्स के बारे में सुनकर शायद आप उस इंग्रेडिएंट से बने प्रोडक्ट को यूज करना छोड़ देंगे। तो आपका ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 7, तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 30-40% लोग ऐसे हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक डेली कंज्यूम करते होंगे, पर जान लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक खतरनाक क्यों हैं। दरअसल सॉफ्ट ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि बोन डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम का खतरा बढ़ा देता है, और इसी के चलते हर साल पूरे वर्ल्ड में 1,84,000 डेथ होती हैं। नंबर 6, परफ्यूम। अब परफ्यूम के दीवाने तो दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे। आखिर कौन नहीं चाहता कि उसके बदन से एक ऐसी खुशबू आए जिससे सामने वाला आसानी से अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन अगर आप जान लेंगे कि खुशबू के पीछे किन किन इंग्रेडिएंट्स का हाथ है, तो आज से ही आप परफ्यूम की स्मेल से घिन करेंगे। और इंग्रेडिएंट्स हैं सीबेट्स, मस्क और हाइरसियम। तो आप कहेंगे ये क्या है। सीबेट्स, जो कि सीबेट कैट के एनाल ग्लैंड से निकाला जाता है। मस्क, जो कि मेल मस्क डियर के सेक्सुअल ग्लैंड से सीक्रेट किया जाता है। और हाइरसियम, जो कि अफ्रीका में पाए जाने वाले हाइरेक्स नाम के एनिमल के यूरिन से बनता है। क्या आप अब भी परफ्यूम की स्मेल से उतना ही प्यार करते हैं। नंबर 5, डोनट। वैसे तो डोनट सबसे ज्यादा कैनेडियंस को पसंद होते हैं, लेकिन डोनट्स की पॉपुलरिटी बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी के चलते हमने पता किया तो मालूम पड़ा कि डोनट्स में सबसे ज्यादा फैट और शुगर पाया जाता है, और इसे अगर थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में खा लिया जाए तो ये जहरीला भी साबित हो सकता है। नंबर 4, पोटैटो चिप्स। तो बच्चों की जान और अंकल चिप्स जैसे चिप्स, अंकल्स की पहचान, आपको इतना करना है हमारा काम। तो पोटैटो चिप्स, जो कि डेंजरस केमिकल से बना होता है, वो केमिकल है अक्रैमेलाइड्स। वैसे तो ये फ्रेंच फ्राइज, कुकीज और काफी चीजों में पाया जाता है, लेकिन पोटैटो चिप्स में इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है। अब आपको यकीन हो या ना हो, अक्रैमेलाइड कैंसर कॉजिंग एजेंट है, इसलिए डॉक्टर्स भी बार बार मना करते हैं पोटैटो चिप्स खाने से। नंबर 3, आर्टिफिशियल फ्लेवर। वैसे तो आजकल हर चीज में ही आर्टिफिशियल फ्लेवर देखने मिलता है, उसी से किसी भी फूड की सुंदरता काफी इंक्रीज हो जाती है। पर लेकिन ध्यान रहे, आर्टिफिशियल फ्लेवर से आपके हेडेक होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। नंबर 2, प्रोसेस्ड ब्रेड। अब वो ब्रेड तो ऐसी चीज है जिसपे 20-30% आइटम डिपेंड है। कच्चे ब्रेड से लेकर पिज्जा तक ब्रेड ही ब्रेड है। लेकिन अब बताते हैं कि हमें ब्रेड को इस लिस्ट में क्यों रखना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर ब्रेड में एसिस्टिन नाम का अमीनो एसिड पाया जाता है, जो कि ह्यूमन हेयर्स, डक फेदर्स और काउ के हॉर्न से मिलकर बना होता है। क्या आप अब भी ब्रेड को उसी टेस्ट के साथ खा पाएंगे। नंबर 1, कुकिंग मीट ऑन द ग्रिल। मीट को हाई टेम्परेचर पे कुक करना या फिर मीट का फायर के कॉन्टेक्ट में आना, इन दोनों से ही पैनक्रियाटिक और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, जो कि आपकी हेल्थ के लिए कितने हार्मफुल हैं ये तो आपको पता चल ही गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ओवर हेयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं। उसके पास में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।